हेडलाइंस के बाद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम बन गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 224A के तहत तैनाती की मंजूरी दे दी है। मजीद जानते हैं एडिटर इन्वेस्टिगेशन नईम महबूब से। जी नईम महबूब, क्या तफसीलात हैं? आपको मालूम है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज अनवारुल हक काकड़ को बतौर निगरान वजीर आजम तैनाती की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है और आइन के आर्टिकल 224A के तहत उन्होंने ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इससे पहले आपको बताता चलूँ कि आज वजीर आजम की वजीर आजम या शहबाज शरीफ और जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज उनके माबीन आज जो दूसरी नशिस्त हुई थी निगरान वजीर आजम के हवाले से, तो उसमें निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल हुआ, जिसके बाद नियाज शहबाज शरीफ की तरफ से बाज़ाब्ता समरी सदर ममलिकत को भिजवाएगी और सदर ममलिकत ने फौरी ही उसको मंजूर करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नहीं महबूब, अब ये बताइएगा कि अब हलफ बर्दारी की तकरीब के लिए क्या डेट आ सकती है, कब हो सकती है? देखिए, अभी फौरी तौर पे कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि प्रोटोकॉल तो उनको आज अभी दे दिया गया है और अभी कुछ ही देर तक ये बात भी वाजह हो जाएगी कि वो इसका हलफ आज ही उठाते हैं या आने वाले कल या परसों उठाते हैं। तहम अभी कबल वक्त होगा इसके बारे में कहना, अभी ऐसी कोई इतलात नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें कोई अपडेट्स मिलती है तो हम आप अपने नाज़रीन को जरूर आगाह करें। बिल्कुल, सेनेटर अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम बन गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 224A के तहत इसकी तौसीख भी कर दी है।